I hope dear students you all are well in this channel today we are going to discuss about unit 8 and unit 8 next topic is services marketing if we are covering the whole topic of marketing then this is one of the important branch marketing me दैट इज सर्विस मार्केटिंग और ये बहुत ही हॉट टॉपिक रहेगा आपका न्यू टॉपिक है इसलिए यू जी सी नेट एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आने के कम्पलीट चांसेज हैं सर्विस इज मार्केटिंग वेरी वेरी न्यू टॉपिक आई एम पुटिंग हेर टू स्टार्स ताकि इसमें से आप श्योरली प्रिपेयर करके जाएँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा सब्जेक्ट कॉमर्स की अगर आप प्रिपेरेशन कर रहे हैं डी स्टूडेंट्स देन यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट दिस टॉपिक सर्विसज मार्केटिंग सर्विसेज मार्केटिंग क्या होती है मार्केटिंग की ये क्या ब्रांच है किससे डील करती है आई होप आपको नेम से ही बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि यहां पर हम क्या समझने वाले हैं क्या चीज है सर्विसेज आर दोज एक्जरी आप कह सकते हो जो आपको किसी गुड्स या प्रोडक्ट के साथ एक्स्ट्रा मिलती है अब अभी तक क्या था कि ये ना चीज़ें एक्स्ट्रा में थी जैसे आप कार लेकर आए तो आफ्टर दैट कार वॉशिंग सर्विस हो गई या आप रिपेयरिंग सर्विसेज या उसके साथ कोई फर्दर चीज़ें दे दी तो वो आपकी सर्विसेज है आप ऐसे ही कोई प्रोडक्ट अगर लेकर आए और उसके साथ अगर आपको कोई फर्दर एक्स्ट्रा नीड या हेल्प दी जा रही है थ्रू कंपनी दैट इज सर्विस बट माय डियर स्टूडेंट्स अब ये एक एक्स्ट्रा ना होकर इट इज़ नाउ बिकमिंग अ मेजर सेक्टर ऑफ मार्केटिंग पीपल आर नाउ डूइंग बिजनेस इन जस्ट सर्विसेज ओनली गुड्स को छोड़ ही दिया है जैसे आपको होटल सर्विसेज मिल रही हैं हॉस्पिटेलिटी सर्विसेज मिल रही हैं आप सेलून्स में जाते हैं ऑल यू नो अपनी एवरी बडी यूज टू गो देर टू कीप दैम सेल्स अप हेल्दी देयर स्किन हेल्दी देयर बॉडी हेल्दी सो सेलून्स में आपको जो एक्स्ट्रा केयर आपकी स्किन को दी जाती है आपके हेयर्स को दी जाती है तो देट इज़ योर सर्विसेज

दिखते हैं देर आर न्यूमरस सर्विसेज और इंडस्ट्रीज विच आर प्रेजेंटली वर्किंग अब इसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज आ, आ रही हैं गुड्स सर्विसेज जो ये गुड्स होते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं फाइनल गुड्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स होते हैं इनमें तो हम बहुत शुरू से देख रहे हैं कि चलता ही आ रहा है बट सर्विसेज सेक्टर में आजकल बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज जाना चाह रही हैं बाय बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इनकम एंड दिस सर्विस सेक्टर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर हाउ यू कैन सी हम देखें कि हमें इतनी तरीके की सर्विस अपने आसपास देखने को मिलती हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हमें देती हैं जैसे गवर्नमेंट भी हमें सर्विसेज देती है गवर्नमेंट हमें क्या सहायता देती है आप देखिए सर्विसेज थ्रू इन द फॉर्म ऑफ कोर्ट्स आप कोर्ट्स में जाते हैं वहाँ कोई सामान थोड़ा मिलता है आपको बट वहाँ पर आपको एक लीगल हेल्प दी जाती है आपकी Uh, साथ जो गलत हुआ है उसको देखा जाता है सुना जाता है और आपको एक न्याय मिलता है यू गेट जस्टिस देयर जस्टिस कैन यू होल्ड इन योर हैंड्स नथिंग नो यू कैन नॉट बट येस इट सीम्स टू बी डन विद यू आपको लगता है हमारे साथ न्याय हुआ है इट इज़ फेल्ड तो सर्विसेज ऐसी चीज़ होती हैं विच गिव यू अ इनर सेटिस्फैक्शन जैसे पुलिस के आपको प्रोटेक्शन सिक्योरिटी मिलती है मिलिट्री सर्विसेज हमारी कंट्री को मिल रही हैं फायर डिपार्टमेंट से आपको सर्विस दी जाती है एंड देर आर सो मेनी सर्विसेज विच गवर्नमेंट प्रोवाइड अस फ्री ऑफ कॉस्ट सिमिलरली अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाएं जहां पर आपको कुछ पे करके बट हाँ आपको बहुत अच्छी सर्विसेज मिलेंगी कैसी मिलती हैं प्राइवेट सेक्टर में एयरलाइंस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है होटल्स ट्रांसपोर्टेशन आपने एयरलाइंस के थ्रू देखा हो इंश्योरेंस कंपनीज दे कवर योर रिस्क एंटरटेनमेंट सेक्टर विच प्रोवाइड यू यू नो एंटरटेनमेंट एंड मैनी मोर सो इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द सर्विसेज फ्रॉम द गुड एज वेन अ कस्टमर परचेज अ गुड अब आप देखो आप जब कोई सामान लेकर आते हो घर पर तो आप पहले ये देखते थे इसके साथ एक्स्ट्रा सर्विस हमें दी जाएगी बट इन द गुड इट्स सेल्फ आपको वो केयर वो प्रोटेक्शन दी जा रही है एंड सर्विसेज उसमें खुद ही इंक्लूडेड हैं उसमें होती हैं इंक्लूड सो डियर स्टूडेंट्स आई होप यू आर गेटिंग दैट पॉइंट कि वाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट थिंग नाउ मीनिंग एंड टाइप ऑफ सर्विसेज जो आपके एग्जाम में आता है सर्विसेज क्या होती हैं दीज आर द प्राइमरी या तो बिल्कुल फर्स्ट थिंग जो आप जाकर पैसे देते हो और सर्विस लेते हो जैसे टिकट खरीदी आपको एयरलाइंस में कहीं जाना है होटल में पैसे दिए रूम बुक करवाया वहाँ रहना है ये प्राइमरी सर्विसेज होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटी होती है जो किसी गुड के साथ आपको मिलती है दैट डजन डायरेक्टली प्रोड्यूज अ फिजिकल प्रोडक्ट दैट नॉन गुड्स प्रोडक्ट होता है एक ठीक है इसमें आपको कोई गुड नहीं मिलता बट इट्स अ नॉन गुड यू कैनॉट सी दैट थिंग बट येस इट इज गिवन विद एक्स्ट्रा थिंग ओके सो दिस इज बिटवीन बायर एंड सेलर और ये डेफिनेशन बहुत ब्यूटिफुली हमें गिवन कहां पर है सर्विस इंडस्ट्रीज जर्नल में अब मैंने आपको बताया हम टाइप्स पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ सर्विसेज कितनी होती हैं सर्विसेज आर मेनली क्लासिफाइड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज और दो ब्रॉड कैटेगरीज में कैसे है एक होती है हमें प्रोफेशनल सर्विसेज जो कि किसी क्वालिफाइड पर्सन द्वारा दी जाती है नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन हु आर डूइंग दैट बिजनेस सो प्रोफेशनल सर्विसेज दीज आर प्रोवाइडेड बाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल जैसे कि देखा हो आपने फाइनेंशियल एडवाइस आप एजेंट्स को हायर करते हो है ना आपने अपने बिजनेस के लिए ब्रोकर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो वो फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं आपको एंड दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड पीपल एडवर्टाइजिंग ये एक प्रोफेशनल सर्विस है जो लोग एडवर्टाइजिंग में डील करते हैं जिन्होंने मार्केटिंग को बहुत अच्छे से पढ़ा है वो एडवर्टाइजिंग में जाकर आपको बेटर नॉलेज दे सकते हैं बिजनेस एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज आर देयर विच हेल्प यू इन ग्रोइंग योर बिजनेस ऑन मोर हाइट्स देन लीगल सर्विसेज दीज आर गिवन बाय द पीपल हु आर वेल क्वालिफाइड इन द लॉ जैसे एडवोकेट्स लॉयर्स मेडिकल सर्विसेज आर गिवन बाय द पीपल हु आर क्वालिफाइड एम बी बी एस एम जिन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई बहुत अच्छे से की है तो प्रोफेशनल सर्विसेज वो होती हैं जो प्रोफेशनल पीपल द्वारा दी जाती हैं सर्विस कंज्यूमर ओरिए जरूरत नहीं है आपको इतनी तरीके का एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है एनी बड़ी कैन एंटरटेन एनी अदर आपके नेचर के ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरीके का एंटरटेनमेंट पसंद है जैसे सम लाइक एक्शन मूवीज सम लाइक थ्रिलर मूवीज सम लाइक रोमेंटिक मूवीज टरिंग सर्विसेज आर देयर क्लीनिंग सर्विसेज आर देयर इसमें आपको प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट थिंग डियर स्टूडेंट वी हैव इज वट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर ऑफ सर्विस अगर आपको ये करेक्टरिस्टिक्स पता होंगे तो आप बता सकते हो ये सर्विस में आएगी या नहीं आएगी तो सर्विसेज के कुछ ऐसे फीचर हैं जो उनको गुड्स से अलग बनाते हैं गुड्स आर डिफरेंट थिंग्स सर्विसेज आर डिफरेंट थिंग तो गुड्स क्या फर्स्ट सर्विस करेक्टर ऑफ सर्विसेज वी हैव इज इंटेंजिबिलिटी इनटेंजिबिलिटी का मतलब क्या है यू कैन नॉट सी देम यू कैन नॉट टच देम यू नॉट हियर देम ओनली जस्ट थिंग इज यू कैन फील देम इनटेंजिबल चीज़ें वही होती हैं ना लाइक एयर एयर यू कैन नॉट सी टच बट येस यू कैन फील इट तो ये इनटेंजिबल थिंग है लव अफेक्शन हेटरेट तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं इनटेंजिबल सेम इज़ वे नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक से इज़ ए वेरिएबिलिटी वेरिएबिलिटी मीन्स कि इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इट वेरीज़ फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर इट वेरीज़ फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन लाइक अगर हम दो लोग हैं और अगर हम लीगल हेल्प लेना चाहते हैं तो मैं एक सेपरेट लॉयर के पास जाऊंगी नेक्स्ट पर्सन विल गो टू सेपरेट लॉयर सो देर इज ऑल्सो वेरिएशन इन डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज नेक्स्ट इज इन सेपरेबिलिटी सर्विसेज को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो वो आपसे जुड़ी ही हुई हैं ऐसा हो ही नहीं सकता आप मेडिकल हेल्प ना लो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कंसल्टेंसीज की जरूरत ना पड़े इन सर्विसेज आर इन बिल्ट दे आर देर अब आपने होटल रूम बुक करवाया आप कहोगे कि हमें सर्विस नहीं चाहिए भैया उसमें सर्विसेज इंक्लूडेड हैं यू कैन नॉट सेपरेट देम आफ्टर देन देयर इज़ पेरिशेबिलिटी पेरिशेबिलिटी का मतलब है कि सर्विसेज को आप फ्यूचर के लिए नहीं टाल सकते कि नहीं नहीं मेरे को उस टाइम पर देना दीज आर ऑफ नेचर विच इज विच लाइक यू फ्रेश लाइक थिंग जैसे फ्रेश होता है ना फ्रूट कुछ दिनों बाद देखोगे बासी हो जाएगा ऐसी सर्विसज़ हैं उनको आप लेटर ऑन के लिए टाल नहीं सकते आपको यूज़ करनी है तो वो अभी करो बाद में आप नहीं कर सकते देन ऑनरशिप सर्विसज़ में भी ऑनरशिप होती है जैसे अगर आपको वो होटल रूम आपने बुक करवाया है तो अगर आप उस होटल में रह रहे हो वो बुकिंग हो चुकी है तो उस रूम के मालिक आप हो अब उस रूम में कोई आएगा नहीं देट इज़ ऑनरशिप अगर आपने सपोज कीजिए इंश्योरेंस पॉलिसी से इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली है तो वो पॉलिसी के अब आप हो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स जो सर्विसेज को बहुत हटके बनाती हैं एंड दीज आर द फीचर्स यू ऑल शुड नो सो विद दिस डियर स्टूडेंट्स वी कंप्लीटेड दिस सर्विसेज मार्केटिंग और इसी से ही रिलेटेड टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे टिल देन यू हैव टू गेट इन टच विद अस Don't forget to subscribe, keep watching, keep sharing. You can send us your queries through mail. Till then, thank you.